नाजरीन, मैं हूं मिर्जा इम्तियाज हैदर और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आइए आपको एक खास खबर की तरफ मुतव। स्वीडन में कुरान को जलाए जाने के बाद एक मुसलमान अहमद अल्लूश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल कुरान जलाए जाने के बाद स्वीडन के अहमद अल्लूश ने वहां के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसे भी यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबल और तौरात को जलाने की इजाजत दी जाए। अहमद अल्लूश का कहना था कि जैसे स्वीडन में सरेआम सरकारी सिक्योरिटी के बीच कुरान को जलाया गया, वैसे ही वो भरी सिक्योरिटी और लोगों के बीच बाइबल और तौरात को जलाना चाहता है। इस खबर के आने के बाद इसराइल सहित दुनिया के तमाम यहूदी संगठनों ने बवाल कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर हमारी धार्मिक पुस्तकों को जलाने की कोशिश की गई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तौरात हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इसकी हिफाजत करके रहेंगे। स्वीडन की अदालत ने अहमद अल्लूश की याचिका के बाद उसे बाइबल और तौरात को जलाने की इजाजत दे दी थी क्योंकि स्वीडन में धार्मिक पुस्तकों को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी माना जाता है, जिसके बाद दुनिया भर की नजरें स्वीडन के इस मुसलमान पर थी। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी मुसलमान ने आसमानी किताब बाइबल और तौरात को जलाने की इजाजत मांगी थी। अहमद अल्लूश तयशुदा वक्त पर कल इजरायली दूतावास पहुंचे। उनके एक हाथ में लाइटर था तो दूसरे हाथ में बाइबल और तौरात। चारों तरफ दुनिया के मीडिया संस्थान और लोग बाइबल को जलाने का मंजर देखने के लिए मौजूद थे। दुनिया भर की निगाहें अहमद अल्लूश के हाथ में मौजूद उस लाइटर पर टिकी थी। लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब स्वीडन के इस 32 साल नौजवान ने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं बाइबल और तौरात को जलाने की सोच भी नहीं सकता, मैं तो बस कुरान जलाने के मामले पर यूरोप अमेरिका सहित दुनिया के दोगलेपन को बेनकाब करना चाहता था। ये मेरे प्रदर्शन का तरीका था, मैं चाहता था कि लोग आएं और मेरी बात सुनें और एक मुसलमान के दर्द को महसूस करें। जिस तरह से यहूदियों और ईसाइयों को उनकी मुकद्दस किताब को जलाने की बात सुनकर तकलीफ महसूस हुई, उससे लाख गुना ज्यादा हम मुसलमानों को तकलीफ होती है जब हमारी मुकद्दस किताब कुरान की बेहुरमती की जाती है। अहमद अल्लूश के पास बाइबल और तौरात के साथ कुरान भी मौजूद थी। उसने कुरान को बोसा दिया और सीने से लगाते हुए कहा, भला मैं उन किताबों को कैसे जला सकता हूँ जिसकी तस्दीक मेरे कुरान ने की है। मेरा इस्लाम किसी मजहबी किताब को जलाने की इजाजत नहीं देता। अहमद अल्लूश के प्रोटेस्ट के इस अनोखे अंदाज की आज दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी कुरान को जलाने की इजाजत देने पर पाबंदी लगाने की मांग करने लगे हैं। गौरतलब हो कि बकराईद के दिन स्वीडन में ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।